इस समय की खबर आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर से। गोरखपुर में इस समय जो बाढ़ की विभीषिका है उसने विकराल रूप ले लिया है। तमाम जो नदियां हैं राप्ती से लेकर के सरजू तक जो वहां पर एकदम विकराल रूप धारण कर लिया। साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से नाव से तमाम जो लोग हैं वहां से बैठ कर अपने जो है रोड के किनारे आए हुए हैं और वहां पर घरों को छोड़कर बाहर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि तमाम जो नदियाँ हैं लगातार उसको लेकर फिलहाल सरकार हर तरीके से सतर्क है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा भी कर रहे हैं और लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं प्रभावी ढंग से शायद उन लोगों को मदद न मिल पाने की वजह से तमाम जो संसाधन तमाम जो चीज़ें होती हैं सही समय पर मुहैया नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से तमाम जो लोग हैं घर छोड़कर रोड के किनारे आ जाते हैं या फिर वहाँ से पलायन ही कर जाते हैं। आपको बता दें कि इस बाढ़ की विभीषिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है विकराल रूप धारण करती चली जा रही है। देश में जहाँ तमाम जो नदियाँ हैं उफान पर हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं जहाँ पर लगातार जो है पानी अपना जो है विकराल रूप धारण किए हुए, नदियाँ अपना विकराल रूप धारण किए हैं, फसलें जो तमाम हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। उसको लेकर फिलहाल तमाम जो है कमेटियां बनी हैं, उनको मदद पहुंचाने के लिए भी फौरी तरीके से उनको जांच आदेश और तमाम जो उनको मदद जो मिलनी चाहिए उसके लिए भी सरकार आदेश दे चुकी है। लेकिन समस्या घुमा फिरा के कहीं ना कहीं वहीं पर आ जाती है कि अगर समय रहते तमाम चीज़ें मुहैया हो जाएँ सभी को तो शायद ये नौबत यहाँ तक ना पहुँचे। अभी फ़िलहाल की स्थिति को देख के तमाम जो नदियाँ हैं वो पूरी तरीके से अपना गई हैं, किसान परेशान हैं और घर से निकल कर बाहर रहने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल इन सबको लेकर बताते हैं कि तमाम जो फौरी तरीके से तमाम सभी चीज़ों को लिए आदेश दे दिया गया है कि मुहैया उनको मदद मिलनी चाहिए, तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए। तमाम जो हैं फिलहाल लोग जो निकलते हैं तो घर से सामान को भर के अपने नावों से निकलते हैं, रोड के किनारे जो है बना हुआ है बंदे तक आने की हर संभव कोशिश करते हैं। उनकी सिर्फ विषय यही वजह रहती है कि अपने जो जीवन है वो सुरक्षित रख सकें, अपने आप को सुरक्षित रख सकें और जो चीज़ें हैं वो सही ढंग से अपनी चीज़ों को बेहतर ढंग से अपने आप को वहाँ पर मुहैया या सुरक्षित जगह ले जा सकें जहाँ उनको सरकार की तरफ से मदद भी मिल सके। लेकिन जो चीज़ें कहीं कहीं रहती हैं जहाँ पर तमाम जैसी चीज़ें रहती हैं ढीला ढवाली कह सकते हैं, तमाम जो चीज़ें रहती हैं जो उनको मुहैया नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उनके लिए। क्या नाम है आपका, कौन सा गाँव है? नाम मेरा देवेंद्र कुमार है, उत्तरी कुलिया ग्राम सभा है। अच्छा, अगर हम खेतों की बात करें फसलों की बात करें तो क्या स्थिति है? फसल यहाँ पे पूरी चौपट हो चुकी है। एक हम ही किसान है, एक हेक्टेयर से ऊपर हम लगाए थे जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और हम लोग का जो भी था सर साधन, अभी हमारा जो एग्रीकल्चर जो हर वाला है सब वही फंस गया है। अच्छा, गाड़ी भी वहीं फंसी थी, किसी तरह से लाया गया, इंजन भी हमारा वहीं फंसा था, किसी तरह से लाया गया किसी जुगाड़ से। कितनी कठिनाई हो रही है आप लोग को? बहुत कठिनाई है, बारिश आने से बहुत कठिनाई है। गवर्नमेंट की तरफ से मान लीजिए इस तरफ तो अभी कोई मदद नहीं है। अभी ग्राम सभा के जो प्रधान है वही कोई न्याय मुहैया कराए हैं, अभी दूसरी कोई मदद नहीं है। हम लोग बर्बाद हो गया, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा। अभी कितना नुकसान हो गया? एक हेक्टेयर से ऊपर है। अच्छा, एक हेक्टेयर से ऊपर है। हाँ, कितने का नुकसान अंदाजा? फिर भी आपका कितना नुकसान हो गया? दो ढाई लाख रुपए का हम लोग लाख रुपए से ऊपर से भर्ती तो लगाए थे कि दो पैसा मिलेगा, बाल बच्चे उसमें खाएंगे जिएंगे। हम लोग का ही व्यवसाय है, खेती मुख्यतः व्यवसाय है हम लोग। किस हाल में आप लोग, फिर कैसे जीवन यापन कैसे? अब देखिए सरकार गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही है, खाद महंगा है, सब कुछ महंगा है। देख रहे हैं आप लोग हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को क्या मिल रहा है? हम लोग तंगे हाल में जी रहे हैं। अब देखिए आपके सामने है जो किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, बंदे पे आके रहने को मजबूर हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? विकास यादव। कौन सा गांव है? ग्राम मंझरिया। अच्छा, अगर बात करें इस बरसात से और बाढ़ से कितनी फसल आपकी बर्बाद हुई है? सर हमारी फसल जो है इसमें जो देखिए धान की खेती लगी है ये पूरा बर्बाद हो गया है। इसमें यहाँ तक पूरे मतलब उठी बाल तक पानी है, ये खराब ही हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे में कितने बीघा बोए थे धान? सर हमारा 2.5 एकड़ धान बोए थे हम। सब खराब हो गया? सब खराब ही हो गया है। अच्छा, 2.5 एकड़ बोने में कितने पैसे खर्च हुए? सर इसमें 30,000 रुपए खर्च हुए थे। अच्छा, हाँ। अभी क्या स्थिति है, जैसे धान पक के तैयार है क्या? सर नहीं कटने लायक ना, ज्यादा पानी है, कटने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, हाँ। पूरा टोटल खराब हो गया? हाँ खराब हो गया है। तो ऐसे में आप लोग की कितनी चिंता बढ़ गई पूरा? सर बहुत ज्यादा चिंता है कि आने वाले भविष्य में भी है कि हमारा KCC का जो लोन भी है हम कहाँ से जमा करेंगे। कितनी दिक्कत हो रही है? सर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये फसल में भी 1 रुपया नहीं मिलेगा आप लोग? नहीं मिलेगा कोई, अब हमारा भर्ती नहीं निकल पाएगा तो हम खाने के लिए तो कोई बात नहीं है।
फिलहाल नदियाँ जो विकराल रूप धारण कर चुकी हैं उससे निजात कब मिलेगी, क्या स्थिति होगी, ये कह पाना तो अभी मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से जो बाढ़ आई हुई है वो जो तमाम जो संकट में जो लोग हैं उससे निजात कब मिलेगी ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि सरकार ने फौरी तौर पर आज ये साफ तरीके से जो ऊपर जो बैठे तमाम अधिकारियों ने दे रखा है कि किसी भी तरीके से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन इंसान है वो अच्छा है आखिर कहाँ। कैमरामैन नवाजी हुसैन के साथ मैं सईद अली की रिपोर्ट गोरखपुर से।